डियर स्टूडेंट वी हैव टू टॉक अबाउट द ओवरलैपिंग सर्कल हम ओवरलैपिंग सर्कल के ऊपर बात कर रहे हैं और ओवरलैपिंग सर्कल के ऊपर जन हमने डिफरेंट बात की है तो अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं इन द लाइट ऑफ द न्यू एंड इमेंस चैलेंज फेस्ड बाई दस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा दे आर वर्क कॉल्स फॉर मेनी कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर फॉर द न्यू वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेल्व इनिशियटिव क्या था वो ये लिया गया था कि लार्ज ऑफ़ द कंट्रीज एंड द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी हेल्ड 2012 ब्राजील 20 ईयर आफ्टर द लैंडमार्क द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टू ट्वेल्व कॉन्फ्रेंस टू सिक्योर द रिन्यूड पोलिटिकल कमिटमेंट फॉर द सस्टेनेबल डिवेलपमेंट अब देखिए 2012 के अंदर जो है ब्राजील के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर असेस किया जा रहा है पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब देखिए हम उन गैप्स को देखना चाह रहे हैं हमने बात कर रहे हैं ओवरलैपिंग के ऊपर और ओवरलैपिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो हमारा फोकस है हमने देखा कि डिवेल्प और डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या असरा मरतब हो रहे हैं अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो कमिटमेंट है उसके ऊपर सारा फोकस है कि एस टी जी के अंदर तो मोर देन हंड्रेड कंट्रीज उसके अंदर शामिल है लेकिन कौन सा मुल्क जो है वो कितना कमिटेड है नंबर एक नंबर दो टारगेट्स कितने अचीव किए नंबर तीन पॉलिसी और प्रोसीजर को किस तरीके से फॉलो किया गया अब यहां पे हमने इस चीज को फोकस करना है और जहां पर हमने आइडेंटिफाई करना है उन गैप्स को जो कि हमारे इंप्लीमेंटेशन में और आउटकम में आ रहे हैं हमारा जो फोकस था यहां पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम तमाम ममालिक एक इवेल्यूशन कर रहे थे एक इवेल्यूशन प्रोसेस था जिसके अंदर क्योंकि देखें तमाम पॉलिसीज और प्रोसीजर जो है वो एक्रॉस द बोर्ड बनाए गए उसमें ना डेवलपिंग कंट्री की बात हुई ना डेवलप कंट्री की बात हुई जो कवानीन बनाए गए वो एक जैसे थे कवानीन की जो इंप्लीमेंटेशन थी वो हर मुल्क ने अपने लिहाज से करनी थी अब देखें पाकिस्तान भी मेंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पाकिस्तान भी मेंबर था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल का अब उन इस कॉन्फ्रेंस के जो मेन एजेंडा था या मेन बातें थी वो ये थी इसके ऊपर फोकस किया गया था किस मुल्क ने कितने रिसोर्स इस्तेमाल किए किस मुल्क ने कितना टारगेट अचीव किया और उसने उन पॉलिसीज को जो इंटरनेशनल डिवाइस की गई थी उसको कितनी ट्री सेपरेट के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया और उससे उसके रिजल्ट कैसे हुआ है? अब देखिए हमारे पास दो किस्म के रिजल्ट आते हैं एक रिजल्ट वो है जो इंटरनेशनल लेवल पे मलिनियम डेवलपमेंट गोल का और एस के गोल को असेस किया गया दूसरा ये है उस असेसमेंट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेटजीज को फोकस किया गया कि कहाँ पे खराबी है किस प्रोसीजर में ख़राबी है कहाँ पे इशू है जिसकी वजह से हम टारगेट को अचीव नहीं कर रहे पहला नंबर ये था हमारे पास दूसरा नंबर जो हमारे पास आया वो ये था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि इन तमाम मुल्कों में जो मेंबर मुल्क हैं इन तमाम मेंबर मुल्कों के अंदर कहाँ पर ये सबसे बेहतर तरीके से, से इम्प्लीमेंट हुआ और कहाँ पे ये सबसे कम इम्प्लीमेंट हुआ अच्छा अब अगली जो बात आती है वो ये आती है कि जहां पे इसके रिजल्ट सबसे कम हुए उसकी काज को आइडेंटिफाई करना मैं उसकी मिसाल देता हूं फर्ज करें हमने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का एक टारगेट बनाया कोई भी एक कंट्री ए था उसने टारगेट अचीव किया 97 परसेंट कंट्री डी था या बी था उसने टारगेट अचीव किया ट्वेंटी परसेंट ए की पॉलिसी ए की प्रोसीजर प्रोसेस एक यहां पे गैप आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि यह जो पार्टनर मुल्क है इसने कहां पे खला आया जिसकी वजह से एक ही पॉलिसी के तहत एक मुल्क में मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं 97 सेवन परसेंट अचीव किया दूसरे ने ट्वेंटी सेवन अचीव किया तो इसके ऊपर ये सारे गुफ्तूर